हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। 26 दिसंबर 2019 को जब सूर्य ग्रहण पड़ा था, उस टाइम पे जो है प्लैनेटरी पोजीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, और तब मैंने आपसे कहा था कि 2020 में जो है काफ़ी अच्छी प्लैनेटरी पोजीशंस होंगी, काफ़ी अच्छे ग्रह योग बनेंगे। तो अब जो है हम 2020 में हैं, तो जो सबसे पहला चेंज और सबसे पॉजिटिव चेंज जो हमने देखा, विटनेस किया, वो 24 जनवरी को था, जब शनि ने जो है राशि बदली और शनि जो है मकर राशि में आए और 2.5 साल तक इस राशि में रहेंगे। जुपिटर गुरु जो है वो धनु राशि में है, जो कि उनकी खुद की राशि है, अपनी खुद की राशि में है। मंगल जो है अभी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि भी मंगल की ही खुद की राशि होती है। और जो अब सबसे अच्छा सबसे पॉजिटिव चेंज होने वाला है वो है 3 फरवरी को, मीन राशि में जो है शुक्र एग्जॉल्ट हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, एंड दिस विल ब्रिंग इन लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। तो अब मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अपनी राशि में है, खुद की राशि में है, तो ये अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, अच्छे योग बन रहे हैं। तो जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो तो ये समझ सकते हैं कि जी ये सारे ग्रह अभी जो है पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। जैसे शनि अपनी राशि में सश योग बना रहा है, और शुक्र जैसे ही मूव करेंगे तो मलव योग बनेगा। जो लोग ज्योतिष के स्टूडेंट्स नहीं हैं या ज्योतिष इतनी गहराई से नहीं जानते हैं, तो उनको मैं ये छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगी कि अभी की जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसको हम अच्छा क्यों कह रहे हैं। देखिए, जो मैं कह रही हूँ कि सारे ग्रह, ये जो 4 ग्रह हैं, अभी अपने ही राशि में हैं, अपने घर में हैं, उच्च के हैं, तो इससे जो है रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? देखिए, क्या होता है, जब आप कंफर्टेबल होते हैं कहीं पे भी, मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में जो है आप काफी कंफर्टेबल हैं, जब आप कंफर्टेबल होते हैं तो क्या होता है, आप खुश होते हैं। जब आप खुश होते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपका वर्क परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होगी, यू विल एंजॉय डूइंग योर वर्क। आप जैसे घर में हैं, अगर आप घर में हैं, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर इन अ हैप्पी जोन, कंफर्टेबल जोन, तो क्या होगा, आप पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे अपने घर में, अपने रिलेशंस के साथ, घर वालों के साथ। तो यही चीज, सिमिलर चीज अभी प्लैनेट्स के साथ हो रही है। अभी सारे प्लैनेट्स अपनी खुद की राशि में हैं, सो दे आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। जब वो कंफर्टेबल पोजीशन में हैं तो क्या होगा, उसका रिजल्ट्स भी जो है हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो शुक्र जो है मीन राशि में जो उच्च के हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हर साइन पे, हर राशि पे क्या हो। उससे पहले एक पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि बहुत से लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि जब मैं राशि कहती हूँ या साइन कहती हूँ तो लोग समझते हैं कि ये सन साइन है। वेल, सन साइन बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष प्रैक्टिस करती हूँ, उसी के बारे में बात करती हूँ। वैदिक ज्योतिष जो है उसमें हम चंद्र साइन, जो मून साइन होता है आपका, चंद्र राशि जो होती है उसको कंसिडर करते हैं। तो अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो आप उसमें देख लीजिए कि आपका चंद्रमा किस राशि में है। 12 राशियां होती हैं, उनमें से ही एक किसी में होगा, तो जो भी राशि है आपकी वो आपकी चंद्र राशि होगी। तो एक तो ये तरीका होता है, दूसरा जो है आपका लग्न। जैसे मान लीजिए आज मैं आपसे बताऊंगी कि जी पाइसिस का जो शुक्र का जो है गोचर, वो कर्क लग्न वालों के लिए क्या होगा। तो यदि आपका लग्न कर्क हो, कैंसर हो, या आपका मून साइन, आपका चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हो, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब कई लोग कहते हैं कि जी हमारे पास पत्री नहीं है या कुंडली नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी राशि क्या है। इन दैट केस, जो आपका नाम है, जो आपका बोलता हुआ नाम है, जैसे कि मेरा नाम रिद्धि है, तो रिद्धि र अक्षर हुआ, तो र अक्षर की जो राशि है वो तुला राशि है, तो मेरी जो राशि होगी वो तुला राशि होगी। पर क्योंकि मुझे पता है कि मेरी चंद्र राशि क्या है, तो मैं अपनी चंद्र राशि को कंसिडर करती हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप नाम राशि ले सकते हैं, वरना अगर चंद्र राशि आपको पता है तो वो बहुत ही बेहतर रहेगा। सही में, तो हम बात करते हैं कि जो शुक्र जा रहे हैं मीन राशि में, ये 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे। जो मीन राशि के नक्षत्र हैं वो हैं उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद और रेवती। तो ये 3 नक्षत्रों से जो है ये शुक्र जो है इस 1 महीने के अंदर जो है इनके ऊपर से गोचर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। जो मेष राशि है उस पर जो है ये गोचर का क्या इम्पैक्ट, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो मेष राशि वालों के लिए जो
जो है ये गोचर 12वें घर में, 12th हाउस में बन रहा है। 12th हाउस जो है वो हाउस है एक्सपेंस का, 12th हाउस जो है वो हाउस है स्पिरिचुअलिटी का, फॉरेन कनेक्ट है तो ट्रैवल का घर है, चैरिटी का घर है। तो मीन राशि सॉरी मेष राशि वाले एक्सपीरियंस करेंगे और ये फील करेंगे कि जी जो एक्सपेंस है वो स्पिरिचुअलिटी पे, स्पिरिचुअल कामों पे करेंगे, तो उनके लिए अच्छा भी रहेगा। हो सकता है आपका कोई ट्रैवल का प्लान बने जिस पे आपका एक्सपेंस हो, या आप कुछ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहें, या कुछ कोई प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करना चाहें, तो उससे रिलेटेड जो है आपके ये जो है खर्चा अभी इस टाइम पे होगा। दूसरी राशि आती है टॉरस राशि, वृष राशि। टॉरस राशि के तो स्वामी शुक्र ही हैं और शुक्र ही उच्च के हो रहे हैं, और आपके लिए जो है ये गोचर जो है 11वें घर में बन रहा है। 11वां घर जो है वो लाभ का घर है। अब लाभ सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ पैसे की बात आती है, तो लाभ से सिर्फ पैसा ही से लाभ नहीं है, लाभ मीन्स गेन्स। गेन्स कैन बी ऑफ एनी सॉर्ट, एनी टाइप, गेन्स इन रिलेशनशिप, गेन्स इन एजुकेशन, गेन्स इन प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर, एनी काइंड ऑफ गेम। तो जो टॉरस राशि वाले हैं उनके लिए, और पैसे का तो होगा ही होगा एनीवेज, तो जो टॉरस राशि वाले हैं उनके लिए जो है ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके लिए लाभ का समय है, आपके लिए जो है ये गेन्स का टाइम है। तीसरी राशि जो आती है वो आती है मिथुन राशि, मिथुन राशि यानी कि जेमिनाइंस। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर 10वें घर में बन रहा है। 10वां घर जो है हमारा प्रोफेशन का घर है, तो आपके लिए जो है काम के लिए जो आपका जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो इस टाइम पे बहुत अच्छी होगी। यू कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ अ प्रमोशन और अ पे रेज और सम काइंड ऑफ यू नो आपके पोजीशन में कुछ और चढ़ाया जाएगा, मतलब आपको अच्छी और बेटर पोजीशन मिलेगी आपको। सो फॉर यू ओवरऑल वर्क वाइज जो है आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। कर्क राशि, कैंसर राशि, कैंसर राशि के लिए जो है ये गोचर जो है 9th हाउस में, 9वें घर में बन रहा है। 9th हाउस जो है वो आपका भाग्य का घर होता है, 9th हाउस आपके फादर का घर होता है, 9th हाउस आपके धर्म का घर होता है। नाउ व्हेन आई यूज दिस वर्ड धर्म, धर्म हियर डजंट मीन्स रिलीजन, धर्म से मेरा मतलब है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मीन्स सही और गलत करने का हमें जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, या जो हमारे की हम सही और गलत में जो हम फर्क कर सकें, उससे यहाँ मतलब है धर्म, मतलब प्रिंसिपल कि आप कितने सही काम करते हैं, आप कितने राइटस हैं अपने एफर्ट्स में। तो कर्क राशि वालों के लिए जैसे मैंने कहा कि ये 9th हाउस में बन रहा है और ये सारी चीज़ें 9th हाउस से संबंधित हैं, तो लक विल बी फेवरेबल टू यू। फादर के लिए भी अच्छा टाइम है, आपके फादर की आप में और आपके फादर में बॉन्डिंग अच्छी होगी। और जैसे मैंने कहा राइटस, आप जो है सही का रास्ता चुनेंगे, आप यू विल टेक यू नो राइट स्टेप्स, आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। लियो, लियो लग्न, लियो लग्न या लियो राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर जो है उनके 8वें घर में बन रहा है। अब 8वां घर जो है वो ज्योतिष में कोई बहुत अच्छा घर नहीं माना जाता है, पर 8वें घर की कुछ अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। अब 8वां घर जो है सडननेस का घर होता है, एकदम अचानक से कोई चीज़, तो जैसे मैंने कहा शुक्र है, शुक्र जो है वो लग्जरी के कारक हैं, वेल्थ के कारक हैं, तो हो सकता है आपको जो है आपके साथ में जो है अचानक से कहीं से वेल्थ आए। 8वां घर जो है स्पेक्यूलेशन का घर है, तो मे बी आप स्पेक्यूलेशन के थ्रू आप जो है कुछ गेन करें, या इनहेरिटेंस में आपको कुछ गेन्स मिलें, तो लियो लग्न के लिए जो है ये सारी चीज़ें हैं। लियो लग्न के बाद आता है कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो उनके 7वें घर में बन रहा है। 7th हाउस, 7th हाउस इज द हाउस फॉर योर पार्टनर, 7th हाउस इज द हाउस फॉर योर स्पाउस, तो जो है आपका स्पाउस के साथ जो है आपके रिलेशन बेटर होंगे। फेब्रुअरी एज इट इज अ मंथ फॉर रोमांस ऑल्सो, सो गो हेड एंड हैव अ रोमांटिक डेट विद योर स्पाउस। उसके अलावा पार्टनरशिप में भी के लिए भी जो ये अच्छा टाइम है, नेटवर्किंग के लिए, सोशलाइजिंग के लिए, क्योंकि 7वां घर जो है आपकी पब्लिक इमेज है, आपकी विजिबिलिटी है सोसाइटी में, तो आप गो हेड, आप सोशलाइज करिए, नेटवर्क करिए, उससे भी आपको फायदा होगा। कन्या के बाद आती है तुला राशि, तुला राशि के भी स्वामी शुक्र हैं और आपके लिए ऑल दो ये गोचर 6ठे घर में बन रहा है, सो तुला राशि वालों के लिए ये हो सकता है इतना अच्छा ना हो, पर ये टाइम है आप लोगों के लिए सेल्फलेसली काम करने का, सोसाइटी को गिव बैक करने का, आप जो है अपने एफर्ट से, अपने कर्म से जो है ये टाइम को और जो है अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं।
तुला राशि की बात होती है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के स्वामी मंगल हैं, मंगल भी अपनी राशि में है, काफी स्ट्रांग पोजिशन में है और स्कॉर्पियो राशि के लिए जो है ये गोचर बन रहा है फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस इज द हाउस फॉर रोमांस एज आई से, सो एंड आई सेड वैलेंटाइंस डे इज ऑल्सो कमिंग, सो यू नो गुड टाइम फॉर स्कॉर्पियो पीपल टू रोमांस। उसके अलावा पांचवा घर जो है वो एजुकेशन का भी घर है, पांचवा घर जो है आपके बच्चों का भी घर है, मंत्र सिद्धि का भी घर होता है पांचवा घर। तो आप जो है एजुकेशन से रिलेटेड आप कोई काम करना चाहते हैं या आप अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं, एजुकेशन एनहांस करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस टाइम पे कर सकते हैं। स्कॉर्पियो के बाद आता है धनु राशि। धनु राशि जैसा मैंने कहा जुपिटर अभी अपनी राशि में है, धनु राशि भी अभी काफ़ी स्ट्रांग है और आपके लिए जो है ये गोचर चौथे घर में फोर्थ हाउस में बन रहा है। फोर्थ हाउस इज द हाउस फॉर हैप्पीनेस, फोर्थ हाउस इज द हाउस फॉर प्रॉपर्टी, हाउस लैंडेड प्रॉपर्टी स्पेशली, फोर्थ हाउस इज द हाउस फॉर योर मदर। तो आपकी मदर से जो है आपके लिए आपके अच्छे रिलेशन होंगे। ओवरऑल जैसे मैंने कहा हैप्पीनेस का घर है, तो आप जो भी कुछ करेंगे उसमें आपको एक खुशी, एक हैप्पीनेस, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो दिस इज अ गुड पीरियड फॉर धनु राशि। उसके बाद फिर आता है आपका मकर राशि। मकर राशि और क्योंकि वो शनि की रूल्ड है तो मकर राशि वालों का जिनका लग्न होता है या चंद्र राशि है उनके लिए तो वैसे भी शुक्र हमेशा फेवरेबल होते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए जो ये गोचर है वो तीसरे घर में बन रहा है। थर्ड हाउस इज द हाउस फॉर एफर्ट्स, तो आपके एफर्ट्स जो हैं वो दे विल गो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, यू विल फील हैप्पी। होता है कई बार हम कहते हैं मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं या जितनी मेहनत की उतने रिजल्ट नहीं मिले, तो अभी ऐसा नहीं होगा। अभी आप जितनी मेहनत करेंगे या जिस डायरेक्शन में मेहनत करेंगे उसके रिजल्ट्स जो है आपको जरूर मिलेंगे एंड फेवरेबली मिलेंगे। देन कम्स एक्वेरस। एक्वेरस के लिए जो है ये गोचर सेकेंड हाउस दूसरे घर में बन रहा है। सेकेंड हाउस इज द हाउस फॉर स्पीच, सेकेंड हाउस इज द हाउस फॉर सेल्फ अर्नड इनकम, सेकेंड हाउस इज द हाउस फॉर सेविंग्स। तो अभी जो है आप जो मनी अर्न कर रहे हैं आपको अपॉर्चुनिटीज और मिलेंगी जिससे कि आप पैसा कमाएं, तो पैसा अगर कमा रहे हैं तो सेविंग्स भी करिए क्योंकि दिस इज अ गुड टाइम फॉर सेविंग्स। यू विल गेट मोर आइडियाज अबाउट हाउ टू अर्न मनी। सेकेंड हाउस से जो है हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी देखते हैं, तो यदि आप चाह रहे हैं कि आप अपने एग्जिस्टिंग काम के साथ कोई नया काम स्टार्ट करें या कुछ और सोर्स ऑफ इनकम ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी इस टाइम पे कर सकते हैं। पाइसियंस, तो आपके लिए जो है ये गोचर जो है आपके लग्न में बन रहा है, तो जैसा मैंने कहा फील गुड फैक्टर जो है वो आपके साथ रहेगा कि आपका जो है यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील हेल्दी ऑल्सो। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि शुक्र है लग्जरी कंफर्ट का ग्रह भी है, तो हम कई बारी ओवर इंडल्ज कर जाते हैं लग्जरी और कंफर्ट में, तो दैट यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन लाइफ। सो एज आई सेड एंड आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये बहुत ही अच्छा गोचर है, अभी जो एनर्जीज है फ्रॉम दी ऑल दी प्लैनेट्स दे आर वेरी फेवरेबल। और देखिए ज्योतिष यही है कि ये एनर्जीज जो प्लैनेट्स की हैं उससे हम अपने आप को कैसे अलाइन करें और उससे हम कैसे अपने आप को बेनिफिट कर सकते हैं, एंड दैट इज वॉट वी हैव टू डू। सो होप इट मेड सेंस टू यू, होप यू ऑल विल बी बेनिफिटेड बाय यू नो हियरिंग दिस एंड getting things in your favor. So मैं जल्दी आपसे फिर मिलूंगी with more important planetary changes, astro changes, वास्तु related queries जो आप लोग मुझसे time to time पूछते रहते हैं कि जी क्या कहते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारे सवाल आते हैं। पॉसिबल नहीं हो पाता सबको एक साथ जवाब देना, पर मैं कोशिश पूरी तरह से करती हूँ कि आपकी जितनी queries हैं उन सबका जो है मैं properly सही जवाब आप सबको timely दे सकूँ। So please, till then, take care of yourselves.